हरदा ब्लास्ट इतनी बड़ी तबाही के बाद भी पटाखा व्यापारी समझने को तैयार ही नहीं है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर रहटा खुर्द गांव में खुले में पटाखे सुखाए जा रहा है, लेकिन प्रशासन अंधा और बहरा बना हुआ है। हरदा त्रासदी के बाद रहटा खुर्द गांव में खुले में पटाखे सुखाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि जो ब्लास्ट हुआ है उसी फैक्ट्री के संचालक इसे भी संचालित करते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है, ऐसा लगता है सरकार और प्रशासन हरदा में एक और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस गांव में भी फैक्ट्री चल रही है, काफी दिनों से चल रही थी, 10 साल हो गए, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ भी टनों से माल आता था, टनों से माल रखा है, गोदाम भरे हुए हैं, करोड़ों से माल अभी भी रखा है। राजू सेठ पटाखे वाले के नाम से जाने जाते हैं, वो अग्रवाल है, क्योंकि फैक्ट्री ये भी है और ये इसमें भी 1000 लोग 1500 लोग काम करते थे, सब राजू सेठ का ही। तो ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री हटाई जाए और गांव को सुख में रहने दे। गांव बहुत सदमे में जी रहा है, कभी भी ना भी हरदा में फैक्ट्रिया, ये 2 फैक्ट्रिया राजू सेठ। ये अवैध मकान बनाया गया सर, गाँव पंजा हटाई गई, हटाया नहीं गया, इसमें कत्ता दिया जाए और मुख्यमंत्री आज यहाँ मौके पर आकर निराकरण किया जाए और बोल रहे आज ही मशीन ला के इसको हटाया जाए। हमारे गांव की मांग है, तो खुले में पटाखे छोड़ के भग लिए वो, तो अब से शासन इसके परेशान नीलाम किया जाए, हवाले किया जाए इसके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।